आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समुनि जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज से हम भगवती भाष्य का प्रथम खंड प्रारंभ कर रहे हैं। उसका हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय क्यों करें? ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। स्वाध्याय करने से हमें ज्ञान भी मिलता है, उसके साथ साथ हमारा तत्व ज्ञान भी पुष्ट होता है। और जब तत्व ज्ञान हमारा पुष्ट होता है, तब हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। इसीलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय करने से हमारा मन भी एकाग्र होता है। हम भी अपनी आत्मा को धर्म में स्थापित करते हैं, दूसरे को भी हम धर्म में स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये जो भगवती सूत्र है, उसका ओरिजिनल नाम था विवाह पन्नति, यानी व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये भगवती तो उसका विशेषण था, लेकिन विशेषण प्रसिद्ध हो गया, इसीलिए हम व्याख्या प्रज्ञप्ति नहीं कह करके इसको भगवती कहते हैं। प्राय लोग भगवती से ही उनको जानते हैं, व्याख्या प्रज्ञप्ति से बहुत कम लोग जानते हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति का मतलब होता है व्याख्या यानी विवेचन करना, प्रज्ञप्ति यानी समझना। तो विवेक पूर्वक तत्वों का विवेचन किया जाता है, उसे व्याख्या प्रज्ञप्ति कहा जाता है। भगवती सूत्र की एक विशेषता है, इसमें जो भी बात कही गई है वो प्रश्नोत्तर शैली में कही गई है। तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाने के कारण इस सूत्र का नाम हो गया व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति, अभी वर्तमान में हम विशेषण ज्यादा इसका महत्व बन गया है विशेषण का, इसीलिए हम भगवती से इसको पढ़ते हैं, भगवती से जानते हैं। तो भगवती सूत्र के 41 शतक हैं, उसमें से जो प्रथम खंड है इसमें दो शतक हैं। फर्स्ट शतक और सेकंड शतक हम दोनों का ही प्रथम खंड में स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट शतक है, इसका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। तो मंगलाचरण सभी जानते हैं, नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयीर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वै साहूणं, नमो बम्भीये लीविये संगहणी गाहा राय गीह चलन दुखे कंख पौसेय पग इये कुड़वियो जावंते नेर इये बाले गुरुये य चलनावो। तो भगवती सूत्र का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। इस भगवती सूत्र में, ये भगवती सूत्र एक ऐसा है जिसका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। बाकी कोई भी ऐसा आगम नहीं है, जो 11 अंग है उनमें से कोई भी आगम नहीं है जिनका प्रारंभ मंगलाचरण से होता हो, लेकिन भगवती सूत्र का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। नमो अर्हंताणं, अर्हतों को मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणं, सिद्धों को नमस्कार। नमो आयीर्याणं, आचार्यों को नमस्कार। नमो उवज्जायाणं, उपाध्यायों को नमस्कार। नमो लोये सब साहूणं, सब साधुओं को नमस्कार। नमो बम्भीये लीवीये, नमो यानी नमस्कार, बम्भी यानी ब्राह्मी, लिवि यानी लिपि को, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। उसके बाद संग्रहणी गाथा। तो संग्रहणी गाथा का मतलब होता है जो भी पूरे शतक में जो कहना है उसको संक्षेप में एक गाथा में बता देते हैं, उसे संग्रहणी गाथा कहा जाता है। तो प्रथम शतक में 10 उद्देशक हैं। जो प्रथम शतक हम पढ़ेंगे, इसमें 10 उद्देशक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किस किस की जानकारी प्राप्त करेंगे? तो राजगृह में, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम जानेंगे राजगृह में क्या क्या हुआ था। चलमान चलित, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दुख के बारे में भी जानेंगे। कांक्षा प्रदोष, कर्म प्रकृति, पृथिव्या, कितनी पृथिव्या हैं, पृथ्वी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यावान और नैरिक, नैरिक जो नरक के जीव, उनके बारे में भी जानेंगे। बाल यानी जो अज्ञानी है उनके बारे में भी जानेंगे। गुरुक और चलमान चलित, इनके बारे में हम जानेंगे। ये 10 उद्देशक के नाम है। पहले उद्देश्य का नाम राजगृह, दूसरे का चलमान चलित, फिर दुख कांक्षा प्रदेश, कर्म
कर्म, प्रकृति, पृथिव्या, ये सारे सारे 10 नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नमोसु यस्य, श्रुत को नमस्कार। श्रुत को ऋषा, चार, ऋषा, ऋषा, अब म्यूट कर लेंगे, आवाज नहीं करेंगे। एक बार मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। इस आगम का प्रारंभ मंगलाचरण से किया गया है। तो मंगलाचरण क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि हमारा काम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसीलिए इस आगम का प्रारंभ भी मंगलाचरण से किया गया है। तो मंगल कितने हैं? तो 3 मंगल। सबसे पहले हमने हमने नमस्कार किसको किया? पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। पंच परमेष्ठी कौन से हैं? अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, उनको नमस्कार किया। क्योंकि ये पंच परमेष्ठी अपने आप में मंगल होते हैं, इसीलिए उनको नमस्कार किया गया। दूसरे में हमने नमस्कार किसको किया? ब्राह्मी लिपि को किया। क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो भगवान ऋषभ ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाई थी, तो ब्राह्मी लिपि को भी नमस्कार किया गया है। तीसरा नमस्कार किसको किया है? श्रुत को नमस्कार किया है। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि मंगल के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। पंच परमेष्ठी, फर्स्ट पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, फिर ब्राह्मी लिपि को, और तीसरा श्रुत को नमस्कार किया गया है। तो मंगल, अब प्रश्न उठेगा, आपके मन में भी प्रश्न होगा कि मंगल हम क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है? तो मंगल हम क्यों करते हैं? इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए। इष्ट अर्थ का मतलब है जो हमारी इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मंगल करते हैं, यानी मंगलाचरण करते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ भी हम करते हैं तो मंगलाचरण से करते हैं। घर में आपकी कोई भी शादी, कोई भी अच्छा काम आप अगर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? मंगल करते हैं अपने आप को। यानी कोई आपके घर में है बड़े, तो आप उनसे मंगल पाठ सुनेंगे, या साधु साधियों के पास जाकर के सुनेंगे, या कोई नहीं तो अपने आप ही नवकार मंत्र करके आप उस काम को प्रारंभ करेंगे। तो मंगल का प्रयोजन क्या है? इष्ट अर्थ की प्राप्ति, यानी आपने जो काम करने के लिए जो आपने इच्छा व्यक्त की थी, सोचा था ये मेरा काम एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, ऐसा सोच करके जो प्रारंभ किया था वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? मंगल करते हैं। तो मंगल का मतलब हो गया इष्ट अर्थ की प्राप्ति। निर्विघ्न रूप से शास्त्र या लौकिक कार्यों की परिसमाप्ति तथा वांछित अभिसिद्धि के लिए जो किया जाता है वह मंगल है। आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि मंगल किसे कहते हैं, मंगल का प्रयोजन क्या है, ऐसे प्रश्न आपको आ सकता है। को बोलना, कहना, लिखना होगा इष्ट अर्थ की प्राप्ति वो प्रयोजन है, उसके साथ साथ जो हम शास्त्र लिखते हैं, जो भी हम लौकिक काम करते हैं, वो भी हमारा काम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और हमारी जो इच्छा है उसके अनुरूप काम हो, वो मंगल होता है, उसे मंगल कहा जाता है। तो ये शास्त्र में मंगल क्यों किया जाता है? तो शास्त्र भी, जो भी शास्त्र लिखे जाते हैं उनमें भी विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, तो निर्विघ्न रूप से जो भी शास्त्र का लेखन चालू करते हैं वो भी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, उसके लिए शास्त्र में भी मंगल का विधान किया गया है। यहाँ कितने मंगल का विधान किया है? तो 3 मंगल का विधान किया है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। आपके मन में प्रश्न होगा कि आदि मंगल से क्या मतलब है? आदि मंगल इसीलिए करते हैं क्योंकि कोई भी हम मंगल काम करते हैं कभी कभी कितनी सारी बाधाएं आती रहती हैं, वो काम बराबर नहीं होता है, बीच बीच में रुकावटें आती रहती, अड़चने आती रहती हैं। तो कभी कभी हमारे जो दुश्मन होते हैं, शत्रु होते, वो भी हमें क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा काम अच्छी तरह से हो, उनके मन में जेलेसी होती, ईर्ष्या होती है, इसलिए वो क्या करते, शत्रु हमारे कार्य में विघ्न डालते हैं। तो आदि मंगल इसलिए किया जाता है ये शत्रुओं के द्वारा आने वाले विघ्नों का विघात यानी नाश हो, यानी शत्रु हमें किसी भी प्रकार के हमारे कार्य में विघ्न न डाले, इसीलिए आदि मंगल किया गया।
सेकंड है मध्य मंगल। मध्य मंगल क्यों किया जाता है? मध्य मंगल इसलिए किया जाता है कि बीच में भी हमें किसी भी प्रकार का विक्षेप का मतलब है विघ्न बाधाएं न आए, ऑब्स्टिकल्स न आए, उसके लिए मध्य मंगल किया जाता है। अंत मंगल क्यों किया जाता है? अंत मंगल से मतलब है कि हम जो आगम लिख रहे हैं, जो शास्त्र लिख रहे हैं, उसके बाद भी हमें आगे से आगे पढ़ने वाले मिलते रहे। वो पढ़ने वाले कैसे होने से? आयुष्यमान श्रोता। आयुष्यमान का मतलब है पढ़ने की परंपरा लंबे समय तक वो चलती रहे। ऐसा नहीं कि लिख दिया उसके बाद कोई पढ़ने वाला ही ना मिले। आयुष्यमान श्रोता यानी सुनने वालों की, पढ़ने वालों की जो परंपरा है आगे से आगे हमें उपलब्धि का मतलब मिलती रहे, इसीलिए अंत मंगल किया जाता है। ये भी प्रश्न आपको आ सकता है कि मंगल शास्त्र के प्रारंभ में, मान शास्त्र जब लिखते हैं उसमें तीन प्रकार के मंगल क्यों किए जाते हैं? आदि मंगल, मध्यम मंगल और अंत मंगल। ऐसे आपको प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है, मुख्य रूप से देखें तो मंगल दो ही है, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। द्रव्य मंगल तो आप जानते हैं, जब भी आप लौकिक काम करते हैं आप क्या करते हैं, घर में नारियल लाते हैं, दही लाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, अक्षत का मतलब है चावल, ये इन सबको क्या है? द्रव्य मंगल कहा गया है। लेकिन जो भाव मंगल क्या है? इष्ट देवता का स्मरण। इष्ट देवता हमारे हैं नवकार मंत्र, जिसे हमारे नवकार मंत्र, तो हम कोई भी काम प्रारंभ करेंगे तो नवकार मंत्र बोल करके करेंगे। तो ये प्रश्न आपको पूछेंगे कि मंगल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। तो ये जो मंगल की परंपरा है वो प्राचीन साहित्य में नहीं थी, लेकिन बाद में ये पद्धति का विकास हुआ। तो अवैधेय सूरी जो आचार्य हैं उनका कहना है कि ये जो आगम है वो स्वयं मंगल है, उसके लिए दूसरे मंगल की जरूरत नहीं है। यदि हम कहेंगे आगम मंगल है तो उसके लिए फिर दूसरा मंगल, फिर दूसरा मंगल, मंगल के बाद तो मंगल, जो मंगल है उसके लिए कौन सा मंगल करे, फिर उसके लिए कौन सा मंगल करे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करने से क्या हो जाएगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था का मतलब है ये इसका कारण क्या, इसका कारण क्या? जैसे आगम मंगल है उसके लिए आपने नवकार मंत्र किया, नवकार मंत्र को वो भी मंगल है तो उसके लिए कौन सा मंगलाचरण करे, फिर उसके लिए कौन सा मंगलाचरण करे, आगे से आगे क्या है वो कंटिन्यू आपके मन में वो क्वेश्चन होता जाएगा। इसे करने से क्या हो जाता है, दर्शन की भाषा में उसे अनवस्था दोष कहा जाता है। फिर भी शिष्य की मति को मंगलमय बनाने तथा शिष्ट परंपरा के निर्वाह के लिए प्रस्तुत सूत्र में ऐसा प्रयत्न किया गया है, क्योंकि मंगल करने से क्या है हमारे मन में भी शांति होती है। यहाँ ये हमने ये नवकार मंत्र बोल करके हमने काम किया है, या हमने अपने इष्ट का स्मरण करके काम किया है, तो हमारा काम श्योर अच्छा होगा। यह बताएं कि जो शिष्य हैं जो उनको पढ़ेंगे उनकी मति भी मंगलमय हो, अच्छी रहे, और आगे शिष्ट परंपरा भी उसका भी निर्वाह होता रहे, इसीलिए यह प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है। और ऐतिहासिक दृष्टि मतलब इसमें प्रस्तुत नहीं की गई, केवल प्राचीन परंपरा की ओर ध्यान इसमें दिया गया है। ऐसे क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि प्राचीन परंपरा में मंगलाचरण का विधान नहीं था, इसीलिए अभी वर्तमान में मतलब केवल प्राचीन परंपरा की ओर ध्यान अवश्य आकर्षित किया है। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि प्रस्तुत नहीं की, केवल प्राचीन परंपरा की ओर ध्यान अवश्य आकर्षित किया है कि ये मंगलाचरण है वो हमारा मतलब प्राचीन परंपरा की दृष्टि से। अभी तो ऐतिहासिक दृष्टि से इसे देखा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्राचीन परंपरा की ओर ध्यान अवश्य आकर्षित किया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व वृत्तिकार ने पूर्व व्याख्यात नमस्कार आदि ग्रंथ की व्याख्या नहीं की, उनके सामने इसका कोई कारण रहा है, मैंने जो भी वृत्तिकार है, चूर्णिकार है, उन्होंने किसी ने भी नमस्कार मंत्र, उन्होंने अपने वृत्ति के आगर चूर्णी में नमस्कार मंत्र नहीं लिखा है, इसका भी कोई कारण होगा। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते कि हमारे अभिमत से इसका कारण यह है कि मंगल सूत्र रचना कालिक नहीं है, ये उत्तर काल में जुड़े हैं।
ये जो नमस्कार मंत्र आगे जो तीन मंगल हमने बताया, अंश परमेष्टि को किया, फिर ब्राह्मी लिपि को किया, फिर श्रुत को किया, ये जो मंगलाचरण किया है वो रचना, यानी भगवती सूत्र की जब रचना हुई तब तो ये नहीं था, लेकिन उत्तर काल यानी बाद में जब आचार्य आए उन्होंने उनके आगे नमस्कार मंत्र लिखा, मतलब तब से वो जुड़ा है, इससे पहले वो मंगलाचरण नहीं था। इसीलिए चूर्णी और मूल वृत्ति में इसकी व्याख्या नहीं मिलती है, मैंने जो चूर्णी लिखी गई भगवती सूत्र पर उनकी जो मूल वृत्ति लिखी गई उसमें ये नमस्कार मंत्र, ये जो मंगलाचरण है वहां पे उपलब्ध नहीं होता है। ये जो दशाश्वत स्कंध है उसमें भी नमस्कार मंत्र व्याख्यात है, किंतु चूर्णी में वह व्याख्यात नहीं है। व्याख्यात का मतलब है वहां लिखा गया है, बताया गया है, किंतु जो चूर्णी है दशाश्वत स्कंध के ऊपर लिखी है उसमें नमस्कार मंत्र नहीं। इससे स्पष्ट है कि चूर्णी के रचना काल में वह प्रतियों में उपलब्ध नहीं था। जो पज्जोषणा कल्प यानी कल्प सूत्र है उसका, ये जो कल्प सूत्र है वो दशा सूत्र, जो दशाओं है इसका 8वां चैप्टर है, उसके प्रारंभ में भी नमस्कार मंत्र लिखा हुआ मिलता है। और जो पन्नवणा ने रचनाकार श्री श्यामार्य ने मंगल वाक्य पूर्व रचना को प्रारंभ किया है। जो प्रज्ञापना सूत्र के रचनाकार कौन थे, श्याम श्याम आर्य ने, श्याम आर्य उन्होंने भी मंगल वाक्य के रूप में रचना का प्रारंभ किया है। इसे ज्ञात होता है ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास आगम रचना से पूर्व मंगल वाक्य लिखने की पद्धति प्रचलित हो गई, माने ईसा पूर्व पहली शताब्दी से पहले मंगल वाक्य लिखने की परंपरा नहीं थी, लेकिन ईसा पूर्व पहली शताब्दी जब आई तो उसके आसपास लगभग मंगल वाक्य लिखने की परंपरा चालू हो गई। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि मंगल वाक्य लिखने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास आगम रचना से पूर्व मंगल वाक्य लिखने की पद्धति प्रचलित हुई, ये आप लिख सकते हैं। तो प्रज्ञापनाकार का मंगल वाक्य उनके द्वारा रचित है। फिर दूसरा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं निबद्ध मंगल क्या है और अनिबद्ध मंगल क्या है। तो निबद्ध मंगल का मतलब है जो लेखक स्वयं बनाता है वो होता है निबद्ध मंगल, और दूसरों के द्वारा जो बनाया गया है उसको हम कोट करते हैं वो होता है अनिबद्ध मंगल। तो ये प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं। अब प्रस्तुत आगम जो भगवती सूत्र हम पढ़ेंगे ये कौन सा अंग है, 5वां अंग है, क्योंकि 11 अंग है, 11 अंगों में से भगवती सूत्र का नंबर है 5वें स्थान पे है। उपलब्ध आयार और आदि 11 अंग आगमों में प्रस्तुत आगम को छोड़कर किसी भी अंग आगम के प्रारंभ में नमस्कार मंगल उपलब्ध नहीं है। पहले ही मैंने बताया था ये जो 11 अंग है उनमें से केवल भगवती सूत्र में ही नमस्कार मंत्र लिखा हुआ है, और किसी भी आगम में उसका प्रारंभ है नमस्कार मंगल से नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कोट किया है कि आचारांग सूत्र का प्रारंभ कैसे होता है, सूयम में आवशम तेनम भगवया एवं मक्खन, आचारांग सूत्र का प्रारंभ ऐसे होता है, वैसे सूत्र कृतांग का बुज्जे त्युट तेजा बंधनम परिजानिया, इसमें सबका प्रारंभ कैसे होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है वो बताया है। उठाणम में सूयम में आवशम तेनम भगवया एवं मक्खायम, इसका प्रारंभ ऐसे होता है, और समवायम सूत्र का सूयम में आवशम तेनम भगवया एवं मक्खायम, और नायाधम्म का हो यानी ज्ञाता धर्म कथा का प्रारंभ तेनम कालेनम तेनम सम एनम चंपा नामम नैरी होता इससे होता है, और उपासक दशा का प्रारंभ तेनम कालेनम तेनम सम एनम चंपा नामम नैरी, अंतकृत दशा का यानी अंतकर दशा का तेनम कालेनम तेनम सम एनम चंपा नामम नैरी इससे होता है, और अनुत्तरोपातिक दशा जो है उसका प्रारंभ तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गिये नैरे इससे होता है, और जो प्रज्ञापन प्रश्न व्याकरण है पन्ना वागणाई का मतलब है प्रश्न व्याकरण है, उसका प्रारंभ जम्बू इणमो अन्न हय संवर निच्छयम पवयणस निसंदम इससे होता है, और विपाक सूत्र का तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता। इससे आपको पता चल गया कि जो 11 अंग हैं उनमें से केवल भगवती सूत्र का प्रारंभ ही नमस्कार सूत्र से होता है, बाकी किसी भी आगम का प्रारंभ नमस्कार सूत्र से नहीं होता है, तो केवल प्रस्तुत अंग के प्रारंभ ही होता है। तो अब प्रश्न के ऐसा क्यों किया, बाकी में नहीं, इसमें क्यों,
इसका उत्तर पाना भी आचल महाप्रभु जी कहते हैं कठिन नहीं है, वो भी उसका आंसर भी इसमें दिया गया है। लगता है कि रचना काल में प्रस्तुत आगम का प्रारंभ भी तेणम कालेणम तेणम समयम राय ये नाम धैर्य होता। जो प्रस्तुत आगम है इसका प्रारंभ भी तो जब रचना की थी भगवान ने, यानी भगवान ने बोला था, लेकिन जो गणधरों ने जब गूंथा था तब उनका प्रारंभ भी, भगवती सूत्र का प्रारंभ भी तेणम कालेणम तेणम समयम राय ये नाम धैर्य होता ऐसे हुआ था, इस वाक्य से ही था। किंतु लिपिकारों द्वारा लिखित नमस्कार मंगल सूत्र मूल के साथ जुड़ गए। बाद में जो लिपिकार आए उन्होंने क्या किया, नमस्कार मंत्र लिखा, तो नमस्कार मंत्र को उन्होंने आगम के साथ जोड़ दिया, इसीलिए उसको भी हमने क्या मान लिया, नमस्कार मंत्र को भगवती का अंग मान लिया। अब है नेक्स्ट है कि अरहतों को नमस्कार, क्योंकि हमने फर्स्ट जो पढ़ा था नमस्कार मंत्र, तो अब उसी का डिटेल में बताया जा रहा है। तो अरहतों को नमस्कार से लेकर के सब साधुओं को नमस्कार, पांच नवकार मंत्र के पद थे, तो नमस्कार महामंत्र के पाठ वेद भी मिलते हैं। तो उसमें जैसे हम कुछ लोग ऐसे करते हैं नमो अरहंताणं बोलते हैं, कोई बोलते हैं नमो अरहंताणं ऐसे बोलते हैं, तो इसमें ऐसा अंतर क्यों है। इसमें बताया गया है जो प्राकृत लैंग्वेज है उसमें एक सूत्र आता है वादव, वादव सूत्र क्या करता है, विकल्प से न को न करता है, इसीलिए न को न करता है तो नमो भी बनता है नमो भी बनता है, दोनों ही रूप बनते हैं, इसलिए नमो उच्चारण करे तो भी सही है और नमो करे तो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। अब अरहंताण और अरिहंताण इसमें भी फर्क आता है। हम लोग बोलते हैं नमो अरहंताण, तेरा पंथ की परंपरा नमो अरहंताण बोलती है, जो स्थानक वासी है मूर्ति पूजक परंपरा है वो बोलती है नमो अरिहंताण। तो उसमें क्या अंतर आता है, ऐसे देखे तो कोई अंतर नहीं है लेकिन धातु की दृष्टि से इसमें अंतर आता है। तो जो अरह धातु है, अरह धातु वो सत्री प्रत्यांत रूप है, अरिहंताणम जो है वो सत्री प्रत्यांत रूप है। अरहंत और अरिहंत इन दोनों में कोई अर्थ भेद नहीं है, अरहंत बोलो चाहे अरिहंत बोलो इसमें कोई भी फर्क नहीं, दोनों का सेम मीनिंग है। लेकिन व्याख्याकारों ने क्या किया, अरिहंत शब्द को संस्कृत की दृष्टि से देखकर उसमें अर्थ भेद किया है, ये संस्कृत के हिसाब से उसमें अंतर आ जाता है, लेकिन वास्तव में देखे रियल में देखे तो अरहंत और अरिहंत दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सेम मीनिंग है। लेकिन संस्कृत के हिसाब से क्या मीनिंग होता है, अरिहंत का मतलब होता है शत्रु का हनन करने वाला, ये अर्थ शब्द साम्य के कारण किया गया है, आवश्यक निरुक्ति में यह अर्थ उपलब्ध है, और अर्हता का अर्थ इसके बाद किया गया है। इस अर्थ भेद के होने पर अरहंत और अरिहंत एक ही धातु के दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं, निष्पन्न दो शब्द नहीं होते किंतु भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो शब्द बन जाते हैं, मतलब शब्द दो बन गए भिन्न भिन्न अर्थ वाले, रूप तो दोनों के एक ही, अरिहंत और अरहंत एक ही धातु के दो रूप है। तो अर्थ भेद क्या हुआ कि अरिहंत कहने से शत्रु का हनन करने वाला, और अरहंत कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पूजा के योग्य है, अरहंत का मतलब होता है पूजा के योग्य, अरह धातु योग्यता अर्थ में भी आती है और पूजा अर्थ में भी आती है। तो अरि बोलेंगे, अरि का मतलब है शत्रु, हंता का मतलब है नष्ट करने वाला, तो शत्रु का नमन शत्रु का हनन करने वाला, अरिहंत का मतलब हो जाता है शत्रु का हनन यानी शत्रु का नाश करने वाला, और अरहंत बोलेंगे इसका मतलब है अरहंत कौन होता है, जो पूजा के योग्य होता है। आवश्यक सूत्र के निरुक्तिकार ने अरहंत और अरिहंत के तीन अर्थ बताए हैं, तो आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि आवश्यक सूत्र में निरुक्तिकार ने अरहंत और अरिहंत के कितने अर्थ किए हैं, तो तीन अर्थ किए हैं। पूजा की अर्हता होने के कारण अरहंत, अरहंत अरह धातु से बना है इसलिए पूजा अर्थ में आ गया कि पूजा की अर्हता यानी वो पूज्य है, पूजा की अर्हता यानी योग्य है, पूजा के योग्य है, अर्चा के योग्य है इसीलिए वो अरहंत। अरि का हनन करने के कारण अरिहंत, अरि यानी शत्रु, तो शत्रु कौन से हैं, हमारे जो कसाय हैं आठ कर्म है वो क्या है, हमारे शत्रु हैं। तो भगवान जो बनते अरिहंत बनते वो क्या करते हैं, उन जो कसाय होते हैं
उनको वो क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। जब कसाय क्षीण होते हैं तभी अरिहंत पद प्राप्त होता है, जब तक कसाय रहते हैं तब तक अरिहंत नहीं बन सकते हैं। और रज कर्म का हनन करने के कारण, रज यानी मल, कर्म मल का हनन यानी नाश करने के कारण वो अरिहंत हैं। क्योंकि अरिहंत कब बनते हैं, जब चार घाती कर्म का क्षय होता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार घाती कर्म का जब क्षय होता है तब अरिहंत बनते हैं। तो रज कर्म का हनन करने के कारण वो अरिहंत कहलाते हैं। तो आवश्यक सूत्र के निरुक्तिकार जो है उन्होंने तीन मीनिंग बताए, फर्स्ट पूजा की अर्हता होने के कारण, सेकंड अरि का हनन करने के कारण, तीसरा रज कर्म का हनन करने के कारण वो अरिहंत कहलाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं कि वीरसेन आचार्य हैं, उन्होंने अरिहंतानम पद के कितने अर्थ किए हैं? तो आप बताएंगे चार अर्थ किए हैं। तो फर्स्ट है, तीन तो एक जैसे ही है और एक नया मिलता है, रहस्य के अभाव से अरिहंत, यानी अरिहंत होते हैं उनके लिए कोई भी रहस्य बाकी नहीं रहता है, क्योंकि वो संसार में जितना भी है, तीनों लोकों में क्या क्या हो रहा है सबको वो जान सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई भी रहस्य नहीं है। तो वीरसेन आचार्य के अनुसार चार अर्थ है, अरि का हनन करने के कारण, इसमें भी था सेम, रज का हनन करने के कारण, रहस्य के अभाव से अरिहंत, अतिशय पूजा की अर्हता होने के कारण अरिहंत। उनका अतिशय होता है कि वो पूज्य होते हैं जो अरिहंत होते हैं, अतिशय ने विशेष रूप से वो पूजा के योग्य होते हैं, इसीलिए उनको अरिहंत कहा गया है। तो आप नोट करते जाएंगे साथ साथ में प्रश्न के आंसर भी। नेक्स्ट है प्रथम, ये अपन बता दिए कि प्रथम तीन अर्थ अरि प्लस संता, इन दो पदों के आधार पर किए गए हैं, और चौथा अर्थ अरह धातु के अर्हता पद के आधार पर किया गया है, क्योंकि अरह धातु का मीनिंग पूजा के अर्थ में होता है, इसीलिए नेक्स्ट अर्थ दे दिया लास्ट, अतिशय पूजा की अर्हता होने के कारण वो अरिहंत है। भाषा की दृष्टि से नमो और नमो दो चीज, हम कोई बोलते हैं नमो और कोई बोलता है नमो, तो उसमें भी अंतर आ जाता है। ना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि हम ना का उच्चारण करते हैं वो कहा जाता है, मंत्र शास्त्र की दृष्टि से उच्चारण बहुत ही अच्छा होता है, तो ना का उच्चारण करने से क्या होता है, हमारी जो मस्तिष्क की जो प्राण ऊर्जा है उनका संचार होता है, और न के उच्चारण से वैसा नहीं होता है, इसलिए ना का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ना का जो उच्चारण करने का जो स्थान है वो मूर्धन्य है, माने मूर्धा से वो निकलता है, स ना ऐसे ना बोलेंगे तो मूर्धा से इसका उच्चारण होगा, लेकिन न का ऐसा उच्चारण नहीं होगा, इसलिए न का उच्चारण करने से वो हमें लाभ नहीं मिलता है जो ण का उच्चारण करने से हमें मिलता है, क्योंकि ण का उच्चारण करेंगे तो मस्तिष्क की जो हमारे प्राण विद्युत है उनमें जो संचार होता है वह ण के उच्चारण से नहीं होता है, इसलिए ये भी आपको पूछ सकते हैं कि मंत्र शास्त्र दृष्टि से न और ण के उच्चारण की भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया क्या है, मैं मंत्र शास्त्र की दृष्टि से न और ण के उच्चारण में क्या अंतर है, ये आपको पूछ सकते हैं। आप लिखेंगे आंसर, ना मूर्धन्य वर्ण है, इसके उच्चारण से जो घर्षण होता है तो वो मस्तिष्क क्या क्या करता है, हमारी जो प्राण विद्युत है मस्तिष्क के अंदर उसमें क्या है, प्राण का संचार होता है, इसीलिए ना का उच्चारण करने से वो होता है, लेकिन ना के उच्चारण से वो नहीं होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अरहंताणम के अकार और अरहंताणम के इकार का भी मंत्र शास्त्रीय अर्थ एक नहीं है, एक तो अरहंताणम बोलते हैं, एक बोलते अरिहंताणम, तो मंत्र शास्त्र के अनुसार अकार का वर्ण स्वर्णिम और स्वाद नमकीन होता है, इस अकार का वर्ण है उसका जो कलर है वो स्वर्णिम गोल्ड कलर है, उसका स्वाद है यानी टेस्ट है वो नमकीन है, तथा तो इकार का वर्ण स्वर्णिम और स्वाद कसेला है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते कि मंत्र शास्त्र के अनुसार अरहंताणम और अरिहंताणम में क्या अंतर है, आप ये बता सकते हैं कि मंत्र शास्त्र के अनुसार अकार का वर्ण स्वर्णिम और स्वाद नमकीन होता है, तथा इकार का वर्ण स्वर्णिम और स्वाद कसीला होता है, वर्ण तो दोनों का सेम है, स्वाद में अंतर है, इसका नमकीन है और इकार का कसीला है, और अकार पुल्लिंग और इकार नपुंसकलिंग होता है, क्योंकि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीन प्रकार के लिंग होते हैं,
अकारांत शब्द होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, इकारांत होते हैं, वो नपुंसक लिंग होते हैं। अब नेक्स्ट है अरुहंताणम, क्योंकि कई बोलते अरहंताणम, कुछ लोग बोलते अरियंताणम, कुछ लोग बोलते अरुहंताणम। अरुहंताणम तो कम बोलते हैं, लेकिन अरुहंताणम रूप भी प्राकृत में बनता है। तो प्राकृत में तीन रूप बनते हैं, अरहंताणम, अरियंताणम और अरुहंताणम। तो अरुहंताणम का मतलब क्या है? रूह धातु होती है, उसका मतलब होता है उत्पन्न होना, उगना, पैदा होना। और अरुहंताणम इसमें रूह धातु का प्रयोग किया गया है। तो अभयदेव सूरी ने इसका अर्थ अपुनर्भव किया है। जैसे बीज के अत्यंत दग्ध होने पर इससे अंकुर नहीं फूटता, वैसे ही कर्म बीज के अत्यंत दग्ध हो जाने पर भवांकुर नहीं फूटता। यानी जो बीज है उसको आपने जला दिया, उसमें कोई भी अंकुर है वो नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन बीज जब तक जलाया नहीं है तब तक तो उसमें नए नए अंकुर उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे ही कर्म भी एक प्रकार का बीज है। कर्म बीज को हमने जला दिया, समाप्त कर दिया, उसमें भी जलाने के बाद भवांकुर यानी जन्म मरण की जो श्रृंखला है, डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल चल रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगी। अरुहंताणम का मतलब है जिसका अब पुनर्भव नहीं होने वाला, यानी नया जन्म नहीं होने वाला है। अपुनर्भव, पुनर्भव का मतलब जन्म होना, अमिस नहीं होना, यानी अब उनका नया जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अरिंद भगवान ने कर्म का जो बीज था उसको उन्होंने जला दिया, घाती कर्म का क्षय कर दिया, इसीलिए उनका नया जन्म नहीं होगा। इसीलिए वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने इसका अर्थ क्या किया है, अपुनर्भव किया है। आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि अरुहंताणम है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अपुनर्भव। और अगर आपको डिटेल से लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि बीज जैसे नष्ट कर देते हैं तो उसका अंकुर नहीं होता है, वैसे कर्म बीज का, जो कर्म का बीज है उसको हम जला देते हैं, उसका भी अंकुर भवांकुर नहीं होता, यानी भवांकुर है ना, दूसरा जन्म नहीं होता है। आवश्यक निरुक्ति और धवला में अरुहंत पाठ व्याख्यात नहीं है, इससे प्रतीत होता है कि ये पाठांतर उनके उत्तर काल में बना है। ऐसी अनुश्रुति भी है कि ये पाठांतर तमिल और कन्नड़ भाषा के प्रभाव से हुआ है, किंतु इसकी पुष्टि के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जो आवश्यक निरुक्ति थी धवला था, जो दिगंबर ग्रंथ परंपरा का ग्रंथ है धवला, और आवश्यक निरुक्ति अपने ही आवश्यक सूत्र पे लिखी गई है, उसमें अरुहंत शब्द नहीं मिलता है। तो इससे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि जो अरु, क्योंकि गुजराती लोग होते हैं वो भी री को रू बोलते हैं, आप बोलेंगे कृपा कराई हिंदी में, हम क्या बोलेंगे गुजराती, कृपा कराई। तो इसमें ये बता के, वैसे तमिल जो है, कन्नड़ है, वो लोग भी री को रू बोलते हैं, तो इसमें मतलब ऐसा प्रभाव लग रहा है कि उस तमिल भाषा का या कन्नड़ भाषा का प्रभाव से रिको रूप बोला हो, शायद ऐसा भी हो प्रतीत हो रहा है। लेकिन प्राकृत में तीन रूप बनता है, क्योंकि जैसे जैसे जिस जिस देश में जो बोला जाता था उसी के अनुसार व्याकरण बन जाती है। अरु शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद कुंद के साहित्य में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भी कहाँ के थे, दक्षिण के थे, और दक्षिण में अभी बताया कि वहां रिको रूप बोला जाता है, इसीलिए वहां पे अरु शब्द का प्रयोग मिलता है, शायद उससे वो प्रभावित थे। आचार्य हेमचंद्र ने जो व्याकरण लिखी है सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, उसमें जो आठवां चैप्टर वो प्राकृत का है, उसमें ये रूप बनते हैं, अरु हो, अर हो, अरि हो, अरुहंतो, अरहंतो, अरिहंतो, अपन बोलते हैं अरहंतो महादेवो, तो इससे बनता है, प्राकृत में ये रूप बनते हैं। अरुहो भी बनता है, माने ऊ हो जाता है रीको तो अरुहो बनता है, अ हो जाता है रीको तब अरहो बनता है, और रीको ई होता है तो अरिहो बनता है। वैसे ही अरुहंतो, अरहंतो, अरिहंतो, ये तीन रूप प्राकृत में मिलते हैं। ये आचार्य हेमचंद्र ने एक व्याकरण लिखी है जिसका नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, जिसे अपने हैं प्राकृत, अपने जो जोतमल मुनि है उन्होंने लिखा है भिक्षु शब्दानुशासनम,
भिक्षु स्वामी का नाम के आधार पे भिक्षु शब्दानुशासनम, वैसे हेमचंद्राचार्य ने लिखा है सिद्ध हेम शब्दानुशासनम। आयरियाम आयरियाम आगम सहित यकार के स्थान पर इकार के प्रयोग मिलते हैं, जो प्राकृत में अ भी हो जाता है, ई भी हो जाता है, आयरियाम भी होता है, कुछ लोग आयरियाम बोलते हैं, कुछ आयरियाम भी बोलते हैं, और अपन लोग बोलते हैं आयरियाम। ये भी दो रूप में अलग अलग रूप मिलते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। नमो लोए सब्ब साहु, नमो नमो सब्ब साहुण। अभय देव सूरी के अनुसार भगवती सूत्र के मंगल वाक्य के रूप में उपलब्ध नमस्कार मंत्र का पांचवा पद नमो सब्ब साहुणम है, मतलब जो पांचवा पद है वह लोए ने लिया है, नमो सब्ब साहुणम, नमो लोए सब्ब साहुण का उन्होंने पाठांतर के रूप में उल्लेख किया है, यानी मूल में तो मिला नहीं, लेकिन जो अलग अलग प्रतियां थी तो उसमें किसी प्रति में लोए शब्द भी उनको मिल गया। नमो लोए सब्ब साहुणम थी क्वचित पाठ, कहीं क्वचित यानी कहीं कहीं नमो लोए सब्ब साहुण ऐसा पाठ भी मिलता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि सर्व शब्द आंशिक सर्व के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, सब का मतलब सर्व, अतः परिपूर्ण सर्व का बोध कराने के लिए इस पाठांतर में लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। ने पूरे अर्थ का आपको बोध हो उसके लिए क्या किया, लोक शब्द का प्रयोग किया गया, नहीं लोए शब्द का प्रयोग किया गया। लोक और सर्व इन दो शब्दों के होने पर यह प्रश्न होना स्वाभाविक ही है, और अभय द्विसूरी ने इसी का समाधान किया है। लोक शब्द को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि लोक शब्द कहने से हमें संपूर्ण ज्ञान होगा, पूरा शब्द का भी मीनिंग पता रहेगा, इसीलिए उन्होंने लोक शब्द का प्रयोग किया। सर्व शब्द का माने सर्व शब्द के साथ यदि हम लोक जोड़ देते हैं इससे हमें पूरा अर्थ का बोध होता है। दशाश्व स्वर्ण की वृत्ति का ब्रह्म ऋषि ने भी नमो लोए सब्ब साहुण को पाठांतर के रूप में माना है, कि इसमें पाठांतर की बात आ रही है, ऐसी खास नहीं है। नेक्स्ट है नमो अहंताणम नमो सब्ब सिद्धाणम, ये कहाँ मिलता है, तो जो खारवेल था, चक्रवर्ती सम्राट खारवेल था, उन खारवेल राजा था, तो राजा ने क्या किया, जो हाथी गुंफा था उसमें, हाथी गुंफा नाम का जो अभिलेख था उसमें उन्होंने क्या लिखा, नमो अरिहंतानम नमो सब सव सिद्धानम, सिद्धानम नहीं नमो सव सिद्धानम, तो ये कहाँ मिलता है, खारवेल के हाथी गुंफा लेख में ये मिलता है। इसमें अंतिम नकार भी नकार नहीं है, अपन तो बोलते नमो अरहंताणम, यहाँ तो न ही राष्ट्र लास्ट टाइम भी रहा है, सिद्ध के साथ सर्व शब्द का योग है, अपन बोलते सब सिद्धानम, यह बोला है सब सिद्धानम, सिद्धानम में द्वित्व ध प्रयुक्त नहीं है, अपन डबल द और ध बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल है केवल ध। यह पाठ भी बहुत पुराना है इसलिए इसे भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता, मानी ये खारवेल का जो हाथी गुंफा लेख है उसमें ये दो मंत्र मिलते हैं, पांच नमस्कार मंत्र के पांच छह पद, लेकिन उनमें से केवल दो पद का ही वहां उल्लेख मिलता है, ये भी बहुत प्राचीन है इसलिए उसको भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। आपको ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि खारवेल जो नमो अरहंताणम नमो सव सिद्धानम ये कहाँ पे उल्लेख मिलता है, आप लिखेंगे खारवेल के हाथी गुंफा लेख में ये दो शब्द मिलते हैं। नमस्कार महामंत्र का मूल स्रोत और कर्ता, यानी इसका सोर्स क्या है और इसके रचनाकार क्या है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो नमस्कार महामंत्र आदि मंगल के रूप में अनेक आगमों और ग्रंथों में उपलब्ध होता है, किंतु इससे उसके मूल स्रोत का पता नहीं चलता है। महानिषित में लिखा है कि पंच मंगल महाश्रुत स्कंध का व्याख्यान सूत्र की निरुक्ति भाष्य और चूर्णियों में किया गया था, और वह व्याख्यान तीर्थंकरों के द्वारा प्राप्त हुआ था, काल दोष से वे निरुक्ति भाषण चूर्णय विच्छिन्न हो गए। फिर कुछ समय बाद वज्र स्वामी ने नमस्कार महामंत्र का उद्धार कर उसे मूल सूत्र में स्थापित किया, माने जो नमस्कार मंत्र था
वो मूल में तो मिल नहीं रहा था, लेकिन जो चूर्ण थी, भाष्य थे, वो क्या हो जाता, उनका तो दुष्काल होने के कारण उन चूर्ण थी भाष्य थे उनका लोप हो जाता है, तो काल दोष से वो समाप्त तो होगी, विच्छिन्न होगी। बाद में क्या किया, जो वज्र स्वामी आए उन्होंने नमस्कार मंत्र का उद्धार किया, यानी वापस उन्होंने उसको लिखा। ये बात वृद्ध संप्रदाय के आधार पर लिखी गई है, मतलब वृद्ध संप्रदाय एक है उनके आधार पर ये बात लिखी गई। इससे भी नमस्कार मंत्र के मूल स्रोत पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, इससे भी ये पता नहीं चल रहा है कि मूल स्रोत कहाँ है, ये नमस्कार मंत्र कहाँ से मिल रहा है। आवश्यक निरुक्ति में वज्रसूर के प्रकरण में उक्त घटना का उल्लेख भी नहीं है। वज्रसूरी 10 पूर्वोदर हुए हैं, उनका अस्तित्व काल ईसा पूर्व पहली शताब्दी है। स्वयंभू सूरी चतुर्दश पूर्वोदर हुए हैं, उनका अस्तित्व काल ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी है। उन्होंने कायो सर्ग को नमस्कार के द्वारा पूर्ण करने का निर्देश किया है। जो स्वयंभू सूरी थे वो 14 पूर्व के ज्ञाता थे, तो उन्होंने क्या किया, कायो सर्ग जो हम करते हैं, कायो सर्ग करते हैं हम उसको पूरा कैसे करते हैं, नमस्कार मंत्र बोल के करते हैं, तो वो उन्होंने वो ऐसा संकेत किया है। 10वें काल सूत्र की दोनों चूर्णियों और हरिभद्र वृत्ति में नमस्कार की व्याख्या नमो अरंतान मंत्र के रूप में की गई है। जो 10वें कालिक सूत्र है उसके ऊपर जो चूर्णी लिखी गई है, और हरिभद्र जो आचार्य थे हरिभद्र, उनके आधार पर उन्होंने हरिभद्र वृत्ति लिखी है, उसमें भी उन्होंने नमस्कार मंत्र मतलब नमो अरंतान इस मंत्र का उल्लेख किया है। फिर आचार्य वीरसेन ने जो षटखंडागम लिखा है उसके प्रारंभ में भी ये नमस्कार मंत्र मिलता है, वहां पे निबद्ध मंगल बतलाया गया है। इसका फलित यो होता है कि नमस्कार महामंत्र के कर्ता षटखंडागम के रचयिता आचार्य पुष्पदंत हैं। आचार्य वीरसेन ने यह किस आधार पर लिखा, इसका कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम इसका कर्ता हम पुष्पदंत को भी नहीं मान सकते हैं। जैसे भगवती सूत्र की प्रतियों के प्रारंभ में नमस्कार महामंत्र लिखा हुआ था और अभयदेव सूर्य ने उसी सूत्र का अंग मानकर उसकी व्याख्या की, वैसे आचार्य पुष्पदंत को उनका कर्ता बतला दिया। आचार्य पुष्पदंत का अस्तित्व काल वीर निर्वाण की 7वीं शताब्दी है। हारवेल का शिलालेख ईसा पूर्व 152 का है, उसमें नमो अरहंताणम नमो समसिद्धाणम ये पद मिलते हैं। इसे नमस्कार महामंत्र का अस्तित्व काल आचार्य पुष्पदंत से बहुत पहले चला जाता है, इसी ये सिद्ध होता है कि आचार्य पुष्पदंत भी नमस्कार मंत्र के कर्ता नहीं है। तो नमस्कार महामंत्र के कर्ता कौन है, तो लास्ट में यही आता है कि गौतम गणधर है। यहाँ आगे आ रहा है कि गौतम गणधर है इसके, क्योंकि भगवती सूत्र है वो 5वां अंग है और इसके रचयिता भी कौन है, गौतम स्वामी। इसलिए इसका निष्कर्ष यही निकलता है लास्ट में, इसके जो रचयिता है यानी इसके कर्ता है रचनाकार वो गौतम स्वामी है, ये इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये क्योंकि पूरा पूरा हम पढ़ेंगे तो हमारा इतना बड़ा संभव नहीं है पूरा होना, तो नेक्स्ट है मतलब आपको पूछेंगे कि इसके रचनाकार कौन है नमस्कार मंत्र के, तो गौतम स्वामी है। यहाँ पे नीचे आया है अवश्यम या सामायिक अध्ययन के कर्ता यदि गौतम गणधर को माना जाए तो पंच मंगल रूप नमस्कार महामंत्र के कर्ता भी गौतम गणधर ही ठहरते हैं। तो ये लास्ट टाइम क्लियर हो गया कि नमस्कार महामंत्र के कर्ता कौन है, गौतम गणधर ही है, क्योंकि आवश्यक सूत्र है इसमें सामायिक अध्ययन के कर्ता यदि गौतम गणधर को मानते हैं, क्योंकि आवश्यक सूत्र का प्रारंभ तो नमस्कार मंत्र से होता है, लेकिन नमस्कार मंत्र को अंग नहीं माना है, सामायिक आदि को माना है, तो इसके कर्ता तो गौतम स्वामी है, तो पंच मंगल रूप नमस्कार महामंत्र के कर्ता भी गौतम गणधर ही माना माने जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने यह पढ़ा था कि ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया, फर्स्ट हमने नमस्कार किया था पंच परमेश्वरी को, नेक्स्ट हमने किया था ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। तो लिपि का मतलब क्या, आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, लिपि किसे कहते हैं, अक्षर विन्यास यानी अक्षर को जो विन्यास यानी लिखते हैं, अक्षर अक्षरों को जो लिखा जाता है वो लिपि होती है। नंदी में अक्षर के 3 प्रकार बतलाए गए, संज्ञाक्षर व्यंजनाक्षर और लब्ध्यक्षर। आपको पूछ सकते हैं कि नंदी सूत्र में अक्षर के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे संज्ञाक्षर व्यंजनाक्षर और लब्ध्यक्षर।
यदि आपको मीनिंग भी साथ में पूछे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, लब्ध ये तीन जो हैं ये किसे कहते, पट्टिका या पत्र आदि पर होने वाली अक्षर की संस्थाना कृति यानी लिखावट का नाम संज्ञा अक्षर है। संज्ञा का मतलब होता है लिखना, नाम। तो यहाँ किसको बोलेंगे हम संज्ञा अक्षर, जो हम अक्षर से लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे महावीर, ये लिखावट हमने की वो हो गया संज्ञा अक्षर। और लिपि और वर्ण विन्यास ये सब पर्यायवाची है, संज्ञा अक्षर, लिपि और वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास का मतलब होता है एक एक अक्षर को तोड़ तोड़ के लिखना, जैसे महावीर, तो महावीर हमें अगर वर्ण विन्यास करना है तो कैसे लिखेंगे, म, फिर म में अ लिखेंगे, फिर महा हा ह लिखेंगे, फिर ह का आ लिखेंगे, फिर महावीर, व ई र अ, ऐसे तोड़ तोड़ करके जो लिखते हैं वो होता है वर्ण विन्यास। तो उसमें अक्षर हमें हम क्या करते हैं, अ ई उ जो भी लिखते हैं वो सारी की सारी लिखावटें, उसको संज्ञाक्षर कहा जाता है। मनुष्य के चिंतन, स्मृति और कल्पना का माध्यम है भाषा, भाषा के माध्यम से ही हम सब एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं, वह अक्षरात्मक होती है। अक्षर के बिना हम बोल भी नहीं सकते, आपको बोलेंगे कि आपको कुछ अक्षर नहीं बोलना है ऐसे बोलो, तो हम बिना अक्षर का प्रयोग किए हम भाषा को बोल नहीं सकते हैं। शब्द और अर्थ की पर्यालोचना कर मनुष्य जानता है वह लब्ध्याक्षर है, जो हम जानते हैं शब्द और अर्थ की, अर्थ का चिंतन करके जो भी हम जानते हैं वो तो लब्ध्याक्षर है। लिखते हैं वो तो हो गया संज्ञाक्षर हो गया, जो जानते हैं वो हो गया लब्ध्याक्षर, अपनी जानी बात का उच्चारण करता है वो हो गया व्यंजनाक्षर। पहले हमने लिखा, ठीक है, ऐसे देखेंगे तो पहले हम जानेंगे, ठीक है, जानना यानी लब्ध्याक्षर वो जानना, और उसके बाद हम उच्चारण करेंगे, जानने के बाद हम बोलेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। इससे फलित यह होता है कि मनुष्य ने सबसे पहले तो जाना, जानना सीखा, फिर बोलना, और उसके बाद उन्हें लिखना सीखा। तो मनुष्य के पास अपने भावों को अभिव्यक्ति देने के दो बड़े माध्यम, उच्चारण और अक्षर विन्यास। यानी उच्चारण के माध्यम से भी हम एक दूसरे को बता सकते हैं, लिख करके भी बता सकते हैं, कोई उच्चारण नहीं करता है सपोज वो गूंगा है, लेकिन वो लिख करके भी आपको बता सकता है, और हम उच्चारण करके भी हम बता सकते हैं और लिख करके भी बता सकते हैं। पहले जानना हुआ, फिर बोलना हुआ, और फिर लिखना हुआ। तो लब्ध्याक्षर में क्या हो गया, हमने जाना, और हमने संज्ञाक्षर में क्या किया, लिखना किया, ठीक है, और व्यंजनाक्षर में हमने क्या किया, उच्चारण किया, जानना, फिर हमने बोला, उच्चारण किया, उसके बाद हमने लिखा। तो तीन हो गया, संज्ञाक्षर हो गया, लब्ध्याक्षर हो गया और व्यंजनाक्षर, ये तीन प्रकार के अक्षर हैं। जैन साहित्य के प्राग ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार ब्राह्मी लिपि का संबंध भगवान ऋषभ के साथ जुड़ता है। ब्राह्मी लिपि का संबंध किसके साथ है, भगवान ऋषभ के साथ है। भगवान ऋषभ की पुत्री थी ब्राह्मी, तो भगवान ऋषभ ने क्या किया, ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई और जो सुंदरी थी उनको गणित विद्या सिखाई। तो दो बेटियां थी उनके, ब्राह्मी और सुंदरी, तो ब्राह्मी को तो 18 लिपियां सिखाई, जो सुंदरी थी उनको गणित विद्या का ज्ञान दिया। जो समवायन सूत्र है उसमें 18 प्रकार की लिपियों का नाम मिलता है, आप देख रहे हैं 18 प्रकार की लिपियां हैं, और इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्राह्मी प्रथम या प्राचीनतम लिपि है। यानी ये जो ब्राह्मी लिपि है वो सबसे पहली, क्योंकि ब्राह्मी को दी गई इसीलिए ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी को ज्ञान दिया गया इसीलिए वो ब्राह्मी लिपि से वो प्रसिद्ध हो गई। अन्य लिपियों का उसके आधार पर विकास है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद ये जो भी लिपियां हैं, यमनानी, दोस उरिया, खरोष्ट्रिका, खरसाहिका, ये जो भी लिपि है उसका विकास तो बाद में हुआ, सबसे पहले भगवान ऋषभ ने लिपि सिखाई वो थी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी को सिखाने के कारण उसका नाम भी ब्राह्मी हो गया। अन्य लिपियों का उसके आधार पर विकास है, इसीलिए शेष 17 लिपियों को ब्राह्मी लिपि का परिवार कहा जा सकता है। आपको पूछ सकते हैं कि जो शेष 17 लिपि हैं उनको ब्राह्मी लिपि का परिवार क्यों कहा जाता है, आप बोलेंगे सबसे पहले ये जो ब्राह्मी लिपि है वो सबसे पहले लिखी गई और ये प्राचीनतम लिपि है, अन्य लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि के आधार पर हुआ, इसीलिए 17 लिपियों को ब्राह्मी लिपि का परिवार माना गया है।
भगवान ऋषभ ने ब्राह्मी को लिपि सिखाई, इसलिए उसका नाम ब्राह्मी हो गया। ये बात संगत हो सकती, किंतु भगवान ने ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई, इसीलिए लिपि का नाम ब्राह्मी प्रसिद्ध हो गया। ये बात तर्क संगत नहीं लगती। भगवान ने ब्राह्मी को लिखाया, मैंने ब्राह्मी को सिखाया, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी लिपि हो गया, वो तो समझ में आ गया। लेकिन लिपि का नाम ब्राह्मी हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ब्राह्मी लिपि के नामकरण के विषय में अनेक कल्पनाएं मिलती हैं, किंतु ऐतिहासिक आधार पर कुछ भी कहा जा सके ये कठिन है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि परस्पर संबंधित रही है। भाषा आर्य वे होते हैं जो अर्ध मागधी बोलते हैं, मतलब उस समय भगवान के टाइम में सब लोग क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, अर्ध मागधी प्राकृत भाषा बोलते थे। ये जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत दोनों में परस्पर में क्या संबंध है, तो ऐसे बताया कि जो अर्ध मागधी बोलते हैं और जिनकी लिपि ब्राह्मी होती है, जैन आचार्य ने जैसे प्राकृत भाषा को माध्यम बनाया है, वैसे ब्राह्मी लिपि को भी माध्यम बनाया है। इसीलिए प्रस्तुत आगम के प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि के नमस्कार का उल्लेख जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी जो लिपि थी वो भी प्राकृत भाषा में ही थी, और उस समय के लोग भी प्राकृत भाषा ही बोलते थे। तो प्राकृत भाषा का माध्यम भी आचार्य ने क्या किया, प्राकृत भाषा को जैसे माध्यम बनाया, वैसे ही ब्राह्मी लिपि को भी माध्यम बनाया गया है। इसीलिए प्रस्तुत आगम के प्रारंभ में भी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। श्रुत को नमस्कार, तीसरा है श्रुत को नमस्कार। तो श्रुत को नमस्कार क्यों किया गया, तो जो जैन दर्शन है उसमें ज्ञान के 5 प्रकार मिलते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। उनमें दूसरा ज्ञान है श्रुत ज्ञान, पहला ज्ञान है मति ज्ञान। मति ज्ञान तो हम इंद्रिय और मन के माध्यम से जो जानते हैं वो मति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान में हम क्या करते हैं, शब्द संकेत के आधार पर सुन करके पढ़ करके समझते हैं, अर्थ जो समझते हैं हम, मीनिंग समझते हैं, वो होता है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान में तो हम शब्द को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्वयं समझते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं समझा पाते हैं। लेकिन श्रुत ज्ञान में हम क्या है, शब्द के अर्थ को हम समझ लेते हैं, समझ करके हम दूसरों को समझा सकते हैं। ये शब्द के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, जैसे आगम है वो अपने आप में श्रुत ज्ञान है, वो हो जाएगा द्रव्य श्रुत, क्योंकि तो आगम में अक्षर लिखे हुए हैं, वो तो हो गया द्रव्य श्रुत। लेकिन उसमें से हमने उसका जो मीनिंग समझा वो हो जाएगा भाव श्रुत। जिमने जो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो सब के सब द्रव्य श्रुत हैं, लेकिन जब हम उसको पढ़ करके जब हम समझ लेते हैं उसका मीनिंग को और दूसरों को समझाने में समर्थ हो जाते, वो हो जाता है भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, जो श्रुत ज्ञान है इसके दो भेद कर दिए गए, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। लिपि और उच्चारण ये दोनों द्रव्य श्रुत हैं, यानी लिपि का मतलब जो लिखते हैं हम, और उच्चारण यानी जो हम बोलते हैं, वो सब के सब द्रव्य श्रुत हैं। जैसे आपने लिखा नमो अरहंताण, वो लिपि होगी, उच्चारण हमने किया नमो अरहंताण, वो हो गया उच्चारण हो गया। तो लिपि और उच्चारण ये दोनों दोनों द्रव्य श्रुत हैं, उनसे होने वाला अर्थ बहुत भाव श्रुत है, उनसे हमने मीनिंग समझा, केवल हमने लिखा बोला वो तो हो गया द्रव्य श्रुत, लेकिन उनके आधार पर हमने उसका मीनिंग समझा कि नमो अरहंताण का मतलब होता है अरहत्व को नमस्कार। ये अर्थबोध हो गया, ये मीनिंग का हमें ज्ञान हो गया, वो हो गया भाव श्रुत। जैसे मान लो ये 32 आगम है, वो सब के सब लिखा हुआ है, उसका जो हम उच्चारण करते हैं वो सब हो जाएगा द्रव्य श्रुत, लेकिन हम 32 आगमों का जो हम मीनिंग समझेंगे वो हो जाएगा भाव श्रुत। तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। आप श्रुत ज्ञान बताएंगे कि शब्द और संकेत के माध्यम से हम जो जानते हैं समझते हैं वो होता है श्रुत ज्ञान। शब्द और संकेत के माध्यम से सुन करके पढ़ करके लिख करके जो जानते हैं और बाद में हम दूसरों को समझाने में समर्थ होते, वो होता है हमारा श्रुत ज्ञान। वो दो प्रकार का है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। आज हम इतना ही रखते हैं, इसके संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, उसके बाद उत्क्षेप पद प्रारंभ हो जाएगा, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।
समने जी समने की जी संग्रहणी गाथा आई है। इसमें पहला वाला भी चलमान चलित है और 10th वाला भी चलमान चलित है। हाँ वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम तो नहीं होगा, देखना पड़ेगा मेरे हाँ को। ओके, देख करके आपको बता दूंगी। ठीक।